आज हम टठेरी पक्षी को देखेंगे और पता लगाएंगे कि पारस पत्थर क्या टठेरी पक्षी के पास होता है या टठेरी पक्षी के अंडों के पास होता है। हम पता लगा रहे हैं पारस पत्थर के बारे में और टठेरी पक्षी को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर दो टटीरी पक्षी बैठे हुए हैं और हम टटीरी पक्षी के बारे में पता लगा रहे हैं। दोस्तों देखिए, दो टटीरी पक्षी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं देखते हैं। टटीरी को चार पक्षी बैठे हुए हैं, टटीरी पक्षी देखो। दोस्तों क्या टटीरी पक्षी के पास वास्तव में होता है पारस पत्थर? क्या टटीरी पक्षी यह ऐसे पक्षी हैं जो अपने खेत में ही रहते हैं और अंडा देते हैं? देखो दोस्तों, ये टटीरी पक्षी है और ये पक्षी बहुत ही शानदार पक्षी होते हैं और पारस पत्थर को खोजने वाले होते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्या आपको टटीरी पक्षी दिखाई दे रहा है? बताया जाता है इसी पक्षी के पास पारस पत्थर होता है। इसकी चोंच बिल्कुल पारस पत्थर जैसी होती है और देखो यहाँ पे चार टटीरी पक्षी हैं। देखो दोस्तों, टटीरी पक्षी बहुत ही शानदार पक्षी बताए जाते हैं और यह पारस पत्थर को खोजने वाले होते हैं। पारस पत्थर इन्हीं के पास होता है। आज हम देखते हैं टटीरी पक्षी को। देखो दोस्तों, ये रहे टटीरी पक्षी, और क्या यहाँ पे पारस पत्थर है या नहीं है हम पता लगाएंगे। देखो आप देख सकते हैं टटीरी पक्षी, ये रहा टटीरी पक्षी, वो उड़कर चला गया है। बहुत ही अच्छे पक्षी होते हैं दोस्तों। क्या इनके पास पारस पत्थर है? इनको खोज है पारस पत्थर की और ये पारस पत्थर की खोज करते भी हैं दोस्तों। बहुत ही ये ज़मीन पर बैठना पसंद करते हैं यही पक्षी, और ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं परंतु पेड़ों पर बैठते नहीं। ये पक्षी ज़मीन पर ही बैठना उचित समझते हैं और अक्सर ज़मीन पर ही रहते हैं। इन पक्षियों के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये टटीरी पक्षी है, देखिए दोस्तों, यह टटीरी पक्षी, और हम इन्हें देख सकते हैं किस प्रकार से ये ज़मीन पर ही घोंसला बनाते हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं, अंडे देते हैं। दोस्तों ऐसे पारस पत्थर की पुष्टि नहीं की जा सकती, तो किसी दिन हम अच्छे तरीके से आपको समझा कर बताएंगे कि पारस पत्थर कैसे इनके पास होता है और कैसे ये पारस पत्थर के खोजी होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।